सो हे गाइस, आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर सामने से कोई भी बंदा अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके डिलीट कर दे रहा है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, उसको आप कैसे सीन कर सकते हो कि सामने से बंदा मुझे क्या भेजा हुआ। ठीक है, देखो यार, मैसेज में कुछ भी हो सकता है, मतलब टेक्स्ट हो सकता है, फोटोज, वीडियोज या फिर कोई वॉइस मैसेज हो सकता है, मतलब एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो, आप उसको बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हो, बहुत ईजिली उस मैसेज को सीन कर सकते हो कि सामने से बंदे ने क्या भेजा हुआ। ठीक है, सो गाइस देखो, बहुत ही ज्यादा इजी है उसको मतलब सीन करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको देखो करने का है कि वो प्ले स्टोर ओपन करना है। ठीक है, एंड उसको आपको डाउनलोड करने पड़ेगा उसके लिए एक ऐप, ठीक है, जो कि 15 MB का है, बहुत ही मतलब कम है। एंड इसका मतलब रेटिंग वगैरह अगर डाउनलोडिंग वगैरह देखोगे तो आप भाई चौक जाओगे, मतलब सच में बता रहा हूँ भाई, डाउनलोडिंग आप देख सकते हो 5 करोड़ प्लस है। ठीक है, मतलब 5 करोड़ कुछ होता है ब्रो, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब 5 करोड़ है, मतलब भाई क्या कहना यार। एंड इसका रेटिंग देर आप देख सकते हो, 4.5 का रेटिंग मिला, मतलब 5 में से 4.5 का, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑसम इसको बोल सकते हो। ठीक है, ट्रस्टेड ऐप है, इसीलिए लोगों ने इसे पसंद किया, डाउनलोड किया इसे। ठीक है, नहीं तो भाई 5 करोड़ नहीं जाता कभी भी, अगर ये ट्रस्टेड ऐप नहीं होता, अगर ये रिकवर नहीं करता, डिलीट मैसेज को ये सीन नहीं कराता, तो भाई इतना डाउनलोडिंग कभी नहीं होता। ठीक, तो जस्ट एक बार मेरे कहने पर आप इसे डाउनलोड करके देखना। ठीक है, तो सबसे पहले डाउनलोड करना है एंड इसको ओपन मैं करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ आपको सेटिंग है जो भी करना है, आपको एक्सेप्ट तो बेसिकली आपको करना ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके सामने ऐप आ जाएगा सारा। ठीक है, तो जितना फ़ोन में आपका होगा सोशल नेटवर्किंग से कनेक्टेड होगा, मतलब चैटिंग वगैरह इस पर करते होगे। ठीक है, तो जैसे आपको क्या करनी है, आपको व्हाट्सएप को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि मतलब सामने से बंदा देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या भेजा हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पे डिलीट कर देने के बाद क्या भेजा हुआ, एंड अगर आप इस मैसेज को देखो यहाँ पे रिकवर में थर्ड में, ठीक है, थर्ड WARMA के रिकवर 8 यहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, तो जस्ट आपको वही मैसेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको जस्टिफाई कर दें, यहाँ पे आपको क्लियर में यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मतलब आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में थोड़ा कि आपको क्या क्या यहाँ पे फीचर दिया है अलग से, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको सेटअप करनी है। ठीक है, तो ऑटो स्टार्ट पे इनेबल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे WARM आपको सर्च कर लेना है कहाँ पे, तो आपको नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट वो इनेबल हो चुका है। ठीक है, आपको इनेबल ये शो नहीं करता क्योंकि बग है। ठीक है, एक बग है इसमें जो कि यहाँ पे बहुत ही टाइम से है, मतलब इसको सेटअप नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट उसको भी मल्टी मीडिया फाइल्स को भी यहाँ पे इनेबल कर देना है, एंड नोटिफिकेशन जो है उसको भी रीडर को भी यहाँ पे WARM को इनेबल कर देना। ठीक है, तो जस्ट आपके सामने ऐसा आएगा, आपको 8 सेकंड बोलेगा रुकने के लिए, देन उसके बाद आप ओके पर प्रेस करना। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो ताकि ये बार बार हमारे सामने ना जाए। ठीक है, तो जस्ट आपको ओके करना है यहाँ से, एंड ओके करने के बाद यहाँ पे सब बैक आना है। ठीक है, एंड ये फिनिश हो चुका है मेरा, तो जस्ट नेक्स्ट करते हैं, आप नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे जस्ट आ चुका है। अगर आप व्हाट्सएप का मतलब स्टेटस वगैरह आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से वो भी आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीटेड मीडिया वगैरह आ सकता है। ठीक है, अगर मगर आपने किया होगा। ठीक है, एंड यहाँ से कोई बंदा सामने से अगर मैसेज करके डिलीट कर देता है तो यहाँ पे जस्ट आपके सामने शो कर देगा इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सो यही थी इस वीडियो में, एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस देखो, मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।